और वर्तमान समय में युवाओं में नई सोच और नई प्रतिभा दिखाने की जिज्ञासा रहती है। इसी को लेकर अनूपपुर जिले में प्रदेश स्तर की पैनासोनिक कंपनी के फोटोग्राफर मेंटर नीरज विश्वकर्मा ने युवाओं को एक नई करियर दिशा दिखाने के उद्देश्य से फोटोग्राफी और सिनेमाटोग्राफी के विषय में एक वर्कशॉप का आयोजन किया, जहां आसपास के रुचिगत छात्रों ने भारी संख्या में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई और आर्ट ऑफ लाइट और फोटोग्राफी संबंध में ज्ञान प्राप्त किया। नमस्कार, आज हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश के सबसे अंतिम जिले अनूपपुर में, जहां पर इस क्षेत्रों में सिनेमेटोग्राफी या फोटोग्राफी के तहत छोटे छोटे वर्कशॉप का आयोजन करना कितना कठिन है आज हम देख रहे हैं कि इस क्षेत्र में यहां के लोग ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं नीरज विश्वकर्मा जी, जो कि पैनासोनिक लुमिक्स में फोटोग्राफी मेंटर है। आइए उनसे जानते हैं कि इस वर्कशॉप का मेन खास उद्देश्य क्या रहा, किस कारणों की वजह से यहाँ पर ये वर्कशॉप अटेंड की गई, आयोजित की गई। सबसे तो मैं जानना चाहता हूँ क्या उद्देश्य था, क्योंकि ये बहुत पिछड़ा इलाका है जो कि अनूपपुर है, तो मेन खास उद्देश्य क्या है, क्योंकि यहाँ पर सिनेमेटोग्राफी फोटोग्राफी उस लेवल पे नहीं, जबकि अनूपपुर उस लेवल पे यहाँ पर पहुँच चुके हैं। एक्चुअली देखा जाए तो इस ज़िले में डेवलपमेंट कहा जाए सिर्फ कोल माइंस की बदौलत हो जी, कोल माइंस की बदौलत होने की वजह से यहाँ पर कोई भी बड़ी कंपनियाँ पहले कभी फोकस ही नहीं थी, और मैं खुद इस माटी से जुड़ा हुआ हूँ व्यक्तिगत रूप से। मेरा निवास स्थान ही जमुना कुतमा एरिया है, और फोटोग्राफी की शुरुआत जो है मैंने अपने बड़े भाई साहब से शुरुआत की। तो यहाँ पर मैंने एक चीज़ देखा कि इतने सालों में मैं इंदौर में कई सालों से इंदौर में काम कर रहा हूँ, पैनासोनिक से पहले कैनन, नाइकॉन, सभी कंपनियों के साथ में काम कर चुका हूँ, लेकिन इन कंपनियों ने एक चीज़ देखा कि इस क्षेत्र के बारे में किसी प्रकार की कोई अवेयरनेस है ही नहीं। और दूसरी सबसे बड़ी समस्या रही कि इस क्षेत्र के जितने फोटोग्राफर्स हैं उनमें कोई भी संगठन नहीं, संगठन का अभाव होना ही सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कस्टमर्स की पेइंग कैपेसिटी नहीं है या काम की कमी है, निसंदेह काम बहुत है और कस्टमर भी बहुत है। तो अब दूसरी समस्या आती है कि काम भी बहुत है, कस्टमर की कमी भी नहीं है, फिर काम यहाँ के लोग क्यों नहीं कर पा रहे, बाहर के फोटोग्राफर्स आगे काम क्यों कर रहे हैं। इसका सबसे बड़ा रीज़न है सही प्रशिक्षण का अभाव, क्योंकि आपके पास कितना भी अच्छा टूल हो जब तक आप उसका सही तरीके से उपयोग नहीं कर सकते आप कभी भी अच्छा रिजल्ट नहीं बना सकते। क्योंकि आज भी जैसा आपने देखा कि अधिकतम लोगों को लगता है महंगे कैमरे, महंगे लाइट, बहुत सारी लाइट के सेटअप होंगे तभी कुछ अच्छा रिजल्ट बनाया जा सकता है, तो इसका सिर्फ एक रीज़न है सही प्रशिक्षण का अभाव। कुछ फोटोग्राफर्स हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जिन्होंने कम समय में, जैसे आज का जो युवा है, सबसे अच्छी चीज़ अनूपपुर जिले में शाहरुख जिले में एक चीज़ देखने को मिली, यहाँ का इस युवा में क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा है, वो हर चीज़ को जानने को बहुत इच्छुक है, लेकिन फाइनेंशियल कंडीशंस और बड़े शहरों का दूर होना, इस कारण से ये लोग विशेष प्रशिक्षण के लिए नहीं जा पाते हैं। तो मुझे जब ये फीलिंग आई, मैंने ये प्रयास किया कि क्यों ना यहाँ पर भी फोटोग्राफी वर्कशॉप का आयोजन किया जाए, जिससे कि कम से कम कम समय में अधिकतम जानकारी।